हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा। आज फिर हम आपसे बात करेंगे दिल से, मन से, अपनी उस सोच के साथ चर्चा करेंगे जो महसूस होता है, जो मुझे लगता है, जो मुझे सुनाई देता है। मेरे भारत परिवार के सभी सदस्यों, मैं पायुषा आपके परिवार की अपनी सदस्य आज फिर सोच में एक चर्चा आपके साथ कर रही हूँ। आखिर युवाओं में ये रोष कैसा? युवा क्यों नाराज हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? युवाओं में हंगामा क्यों? युवा रास्ते में उतर आए, आखिर क्यों? क्यों नाराज हैं आज हमारे युवा? आज ऐसा क्या हुआ? क्या कारण है? युवा तो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। हमारे देश का भविष्य युवाओं के कांधों पर ही तो निर्भर करता है। उज्जवल भविष्य, स्वर्णिम भविष्य हमारे देश का युवाओं के कांधों पर। युवाओं का रोष प्रदर्शन आखिर क्यों? ये सब हमारी देश की राजनीति के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। युवाओं की सोच को समझने के लिए प्रशासन आखिर ना काम क्यों? प्रशासन युवाओं की सोच को समझने के लिए नाकाम क्यों? प्रशासन के फैसले के प्रति युवाओं का क्रोध क्यों? आखिर वो सरकारी संपत्ति को नष्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों तहस नहस कर रहे हैं हमारे देश की सरकारी संपत्ति को? आखिर ये देश तो आप सबका है, हम सबका है। ये जो नष्ट हो रहा है वो हमारी आपकी मेहनत का पैसा लगाया हुआ है उन सब चीज़ों में जो नष्ट किया जा रहा है। इस तरह से नष्ट होना, इस तरह से हमारे देश की सरकारी संपत्ति का तहस नहस होना, बर्बाद होना, हमें, आपको, हमारे देश को, हमारे भारत परिवार की जनता को बहुत पीछे पहुंचा सकती है। दोस्तों, आज जो क्षति हो रही है वो हमारे अपने भारत परिवार की ही तो क्षति है। इसका निर्माण हमारे लिए हुआ था, हमारे अपने पैसों से। दोस्तों, मेरा अपना ऐसा खुद का मानना है, युवा हमारे देश का भविष्य है, इसलिए हमें अपने युवाओं के स्वस्थ सोच का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। उसके निर्माण के लिए हमें प्रयास करने होंगे। उन्हें नाराज नहीं करना होगा, बल्कि युवाओं के वर्तमान और भविष्य को दूरदृष्टि युक्त नज़रों से ध्यान में रखकर श्रेष्ठ व सही फैसलों की आज आवश्यकता है, जो हमारे देश के हित में, हमारे देश, हमारी जनता के वर्तमान और भविष्य के हित में होगा। यदि हमने युवाओं के वर्तमान समय की परिस्थिति एवं दूरदृष्टि के हिसाब से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रसन्नता, उनके भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, और यदि हमने श्रेष्ठ और सही फैसले नहीं लिए, तो हो सकता है हमारे नौजवान हमसे और ज़्यादा अधिक नाराज हो जाए। हमारे नौजवानों के ऊपर ही तो हमारे देश का भविष्य, उनके कांधों पर निर्भर करता है। अगर हमारे युवा अत्यधिक नाराज हो गए तो सोचिए, हमारे देश का जिस भविष्य
को हम कहते हैं कि युवाओं के कंधों पर स्वर्णिम रूप से आधारित है, तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? हमारे अपने देश का भविष्य पीछे जा सकता है यदि हमने अपने फैसलों से युवा शक्ति को नष्ट कर दिया, अपने युवाओं को नाराज कर दिया, तो हमारा देश आने वाले समय में कमजोर हो जाएगा और हमें गहरी क्षति उठानी पड़ सकती है यदि हमारे युवा, हमारे अपने देश के युवा नाराज हो गए तो। हमारे अपने युवा ही तो हमारे देश के भविष्य करता है, हमारे देश के भविष्य के निर्माण करता। हमें अपनी युवा शक्ति को नाराज नहीं, नष्ट नहीं, आगे बढ़ाना होगा। प्रशासन अगर युवाओं के क्रोध को, सरकारी संपत्ति को नष्ट होने से एवं अनुशासन एवं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, तो आवश्यकता होगी कि प्रशासन अपनी खुद की कार्य करने वाली प्रणाली और खुद की सोच में बड़े कदम परिवर्तन के लिए अवश्य उठाए और शीघ्र ही। सही कार्य प्रणाली एवं सुधार ही हमारे प्रशासन का कार्य एवं उत्तरदायित्व है। देश के लिए, हमारी देश की जनता के हित में। प्रशासन जब नई घोषणाएं करती है तो उसे, यानी कि शासन की कार्य प्रणाली को, दूरदृष्टि और भविष्य को ध्यान में रखने के साथ साथ वर्तमान की परिस्थिति से होने वाले नुकसान या अच्छी तरह से फायदे का उसे अनुमान क्यों नहीं होता, क्यों विफल हो जाती है उनकी सोच, क्यों ये आवाज़ें उठने लगती हैं, क्यों ये शोर होने लगता है, क्यों ये बेचैनियों की हलचल बढ़ जाती है, आखिर क्यों? ऐसा लगता है निर्णय लेने वाले जो भी सदस्य हैं उन्हें निर्णय के आधार पर परिस्थितियों के अनुसार क्या संभव है और क्या गलत प्रभाव पड़ सकता है, इसके आकलन की दूरदृष्टि में कुछ तो कमी है। आखिर कहीं तो कोई गलती है, बड़ी कमी है। यदि प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उसके फैसले की दूरदृष्टि की क्षमता कमजोर है, सही आकलन नहीं ले पाती है और इस तरह की शोरगुल आवाज़ें और युवाओं की नाराज़गी का, जनता की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है, तो इससे ये साबित है कि क्षमता में कहीं ना कहीं कोई तो गलती अवश्य है। इस तरह से शोरगुल, अशांति, क्रोध, नाराज़गी ये देश हित में ठीक नहीं है। जो लोग इस तरह के फैसले लेते हैं, जिनकी क्षमताओं पर क्वेश्चन मार्क है, सवाल उठते हैं कि फैसले लेकर इस तरह की परिस्थितियां आखिर क्यों हो जाती हैं, सही समझ से, सही तरीके से कार्य में कहां कमी है, यदि इस तरह के सदस्यगण प्रशासन में, कार्य प्रणाली में जो सदस्यगण हैं उन्हें उनके कार्य से मुक्ति दे देनी चाहिए, उन्हें अपनी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। जी हाँ, ये भारत परिवार के हित की बात है, यह बात हमारे देश के लिए है, हमारे देश की शांति के लिए है, यह हमारे देश की जनता की खुशियों के लिए है। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं, ये भारत की आवाज़ है। आखिर सरकार सवालों के घेरे में
क्यों आ जाती है, विफलता का सामना क्यों होता है, ये आवाजें क्यों उठने लगती हैं, ये शोर शराबा आखिर क्यों होता है। सरकार को युवा वर्ग के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, उनको नाराज नहीं, उनकी कद्र करनी होगी, उनकी क्षमताएं बढ़ानी होंगी, क्योंकि सच तो यही है, हमारी युवाओं के कंधे पर ही भार है हमारे देश के उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य का। हमारे युवा अगर नाराज हो गए तो हमारे देश के भविष्य पर इसका गहरा प्रभाव हम सब के सामने होगा, ये बात आप हम अच्छी तरह जानते और समझते हैं। आज आवश्यकता है सरकार को इस दिशा में गंभीरता से गहरी सोच का और उसके आधार पर फैसले लेने का। जी हाँ, सरकार को इस विषय पर गंभीरता से शीघ्र ही सोचना ही होगा, क्योंकि समय बहुत बलवान है। जब शीघ्र ही सही समय पर सही काम नहीं होता तो उसके परिणाम भी गंभीर होते हैं। समय जब बर्बाद हो जाता है तो वो वापस नहीं आता। गलत फैसले या नाराज़गी या अनुशासन की कमी, ये बहुत महत्वपूर्ण है देश को गतिमय बनाए रखने के लिए। देश की जब गति इन सब वजह से रुक जाती है, थम जाती है, तो हम आप हमारा देश बहुत पीछे चला जाता है। हमें आगे बढ़ना है और हम पीछे चले जाएं। कभी सरकार के कुछ फैसलों से तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता और हमें परिस्थितियों का सामना करते हुए पीछे जाना पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, समय का दुरुपयोग होने से हमें बचाना है, हमें गतिमय बनाए रखना है। अवरोधों को दूर करने की क्षमता हमारे जीवन में, हमारी कार्य करने की क्षमताओं में अति आवश्यक है। और क्या कहूँ मैं आप लोगों से, बस मुझे तो ऐसा लगता है कि समय बर्बाद ना हो। समय का एक एक पल, एक एक क्षण सुखमय, शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ होना अति आवश्यकता है। हमारी सरकार को, हमें, आपको इस तरह का जीवन यापन करने के लिए, देश को चलाने के लिए आवश्यकता है जहाँ अनुशासन हो। अनुशासन की कमी हमें बहुत पीछे कर देती है, हमें थाम लेती है, हमें रोक लेती है। अनुशासन की प्राथमिक आवश्यकता है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मेरे अपने देश के भारत परिवार के सदस्यों, मेरे मित्रगणों, मेरे दोस्तों, साथियों, आपको जो बात वर्तमान और भविष्य के आधार पर उचित नहीं लगती है, आप आवाज़ उठाइए, बुलंद करिए अपनी आवाज़ को, मगर शांति के साथ। आप जो भी क्षति करेंगे क्रोध से, जोश में आकर, उससे क्या फ़ायदा? नुकसान है दोस्तों, नुकसान। ये पैसा तो जनता का है, हम सबका। सरकारी संपत्ति नष्ट होने का अर्थ तो यही है कि हमारा अपना पैसा जो हमारे लिए लगाया गया है वो व्यर्थ हो गया, वो नष्ट हो गया और हम पीछे चले गए। युवा साथियों, आप तो देश के आधार हैं, हमारे देश का स्तंभ हमारे युवा साथी। आप लोग शांति से, समझदारी से सरकार के साथ वार्तालाप करें। सरकार को आवश्यकता है
शीघ्र ही हमारे युवा साथी, युवा भाइयों, युवा मित्रों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से वार्तालाप करने का और शीघ्र ही सही समय पर समाधान निकालने का, समय की कीमत फिर वापस नहीं आती। समय बहुमूल्य है। समय बीत गया तो बात बीत गई, समय को सही उपयोग किया तो समय हमें अवार्ड देता है, हमें रिवॉर्ड देता है। समय की कीमत बहुमूल्य है, बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। मैं अपने भारत परिवार के सदस्य पायुषा अपनी सरकार से कहना चाहती हूँ, आप युवाओं के साथ तालमेल बैठाकर वार्तालाप करें, क्योंकि हमारी सरकार और हमारे देश के युवा साथियों के साथ तालमेल से ही देश आगे बढ़ सकता है। भविष्य देश का हमारी युवा साथियों के हाथ में है। अगर सरकार का तालमेल युवा साथियों के साथ बैठ जाए तो फिर हमारे देश के बारे में मैं क्या कहूँ, हमारे देश का भविष्य होगा और सब कहेंगे कमाल कमाल कमाल। हमारे युवा साथियों, प्लीज़ शांति से वार्तालाप करें, कुछ नष्ट ना करें। ये देश आपका है, ये देश हम सबका है। ये जो नष्ट संपत्ति हो रही है वो आपकी है, वो हम सबकी है। दोस्तों, जो भी मैं महसूस करती हूँ अपने दिल से, अपने मन से, जो भी मैं देखती हूँ, जो भी मैं सोचती हूँ, मैं चर्चा करती हूँ आपके साथ। आपके साथ मैं जो भी अपनी बातें करती हूँ, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपकी राय हो तो उसका स्वागत है। मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच और मैं जिस दृष्टिकोण के साथ आपके साथ चर्चा कर रही हूँ वो सही है, तो कृपया दोस्तों आप मेरे इस YouTube लिंक को शेयर अवश्य करें। मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा आज आपसे इजाज़त लेती है और मैं एक बार फिर से कहूँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ढेर सारा प्यार बांटिए, प्यार के साथ लाइफ को खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करिए। जय हिंद, जय मां भारती, भारत माता की जय। बाय बाय।